जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम कल गए थे बनारस के घाट घूमने, तो इंट्रो शूट करना भूल गए थे, तो आज कर रहे हैं। और बाकी आज का मौसम वाकई बहुत खतरनाक हो जाएगा, मतलब सुबह से बारिश हो रहा है, वो भी तेज नहीं हो रहा है, बहुत हल्की हल्की हो रहा है। अगर बारिश नहीं पर अगर बारिश रुकती है तो फिर कहीं जाएंगे, अगर नहीं रुकेगी तो फिर आज घर पे ही रहेंगे। ऐसा मौसम है कुछ, तो आप पहले बनारस के घाट का ब्लॉग देखिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे लास्ट में। तो अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और पहुंचने वाले हैं दत्तासमेश्वर घाट, और उसके बाद देखते हैं वहाँ पहुँच कर क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। तो ये भैया थोड़ा धीरे धीरे चला रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं चला रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं दत्तासमेश्वर घाट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कांवड़ यात्रियों द्वारा कितना ज़्यादा भीड़ है। बाकी सब घूमने फिरने भी आए हैं मेरी तरह, और गंगा जी का स्थल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस तरह ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ी से गंगा जी बह रही हैं, और बहुत तेज़ी, मतलब बहुत तेज़ है। वीडियो में कम दिख रहा है लेकिन लाइव बहुत दिख रहा है, बहुत तेज़। तो अभी बहुत चपक कर बारिश आ चुका है और हवा भी चल रहा है, दोनों एक साथ ही हो रहा है। तो हम इस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं ताकि हम भीग ना जाएं, अगर बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। तो यहाँ पे हम खड़े हैं और मौसम काफ़ी ख़तरनाक है यार, गजब व्यू है मौसम का, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद लेकिन बारिश नहीं होती तो और मज़ा आता है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो मैं दत्तासमेश्वर घाट से आ गया हूँ, काशी साइड गली है, और बाकी बजरंगबली का मंदिर ही रहा। तो इस पे से अच्छा व्यू दिखता है। तो उधर है दत्तासमेश्वर घाट, उसके आगे है अस्सी घाट। तो अस्सी घाट नहीं जा पाए हैं लेकिन दत्तासमेश्वर घाट आए हैं, वहाँ से आ चुके हैं, अभी इधर जा रहे हैं काशी कॉरिडोर की तरफ, क्योंकि पूरा पानी की तरह डूब चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और देख सकते हैं पानी का लहर कितना, यहाँ पे पानी का लहर देख सकते हैं कितना तेज है। अभी उधर जितना बाकी है ना वो सब भी डूब जाएगा। त्रिपुट भैरव घाट और आगे है मणिकर्णिका घाट, तो अभी चलते हैं मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पे तो घूम लिए, मतलब जितना वीडियो बनाना था यहाँ पे बना चुके हैं, और बाकी अभी चलते हैं उस साइड। तो ये भारत माता का मंदिर है, तो अभी मैं आ चुका हूँ मणिकर्णिका घाट, जिधर चीता जलता है उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी इस रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं सब चीता जलाने के लिए, जिसको मतलब चाहिए चीता जलाने के लिए वो आकर खरीद कर लेकर जाकर अपना चीता जला सकता है, मतलब जो भी होता है वो क्रियाक्रम, उसके लिए ये सब लकड़ियाँ रखी हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पीछे जस्ट, तो मेरे जस्ट पीछे है मणिकर्णिका घाट जहाँ पर चीता जलता है, और एक ये मतलब व्यू पॉइंट बना हुआ है जो कि गंगा जी बहुत पास से दिख रही है, मतलब जस्ट ये रहा पानी। और बाकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी गंगा जी बढ़ ही रही हैं, उसके बाद लहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और वो रहा मणिकर्णिका, चीता जल रहा है, जय बाबा जी। और कुछ इस तरह ये व्यू है, देख सकते हैं, और चारों तरफ का ये है
काशी अपना मुझे जितना मेरे से जितना बेस्ट हो सका है उतना बेस्ट करने का कोशिश किया हूँ। बाकी मेरे से भी बेस्ट वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद। तो ये जो मंदिर है ये शायद 11 डिग्री इधर पीछे की तरह घुमा हुआ है, और ये अभी तो जब आएगा और ज़्यादा बाढ़ ना तो पूरा डूब जाएगा, और आधा डूब गया है। इसको मतलब करवट काशी बोलते हैं शायद, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद करवट काटी काशी ही होगा। और इसमें शंकर भगवान का शिवलिंग है, लेकिन वो अभी पानी के अंदर है। पता है मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब जहाँ जहाँ पे जानकारी की बात आती है ना मुझे याद रहता है, लेकिन जहाँ बोलना रहता है ना वहाँ पे भूल जाता हूँ, और घर जाकर याद आता है कि हाँ यार उसका नाम यह था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ होता है कि आप सबके भी साथ होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम ऐसी जगह आ चुके हैं ना जहाँ पे मतलब भीड़ बहुत कम है, जनता एक या दो है और हम हैं, और काफ़ी आनंद आ रहा है, मतलब भीड़ से हट के है। और ये कौन सा घाट है? मेहता घाट, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है देख सकते हैं, इसलिए कोई आ नहीं रहा है। जितना टूरिस्ट है सब उधर ही थे, इधर पे मतलब एक आध दो टूम मिल जा रहे हैं, नहीं तो कोई है नहीं यहाँ पे। और हमें फ़िलहाल तो अभी हम ही हैं पूरे, देख सकते हैं ना पीछे है ना मेरे आगे है, बस ये भैया बने हैं। मैं ना बहुत बार आया हूँ घाट पे घूमने, और जब भी आता हूँ ना मतलब हमेशा ये सब दिखता हूँ, मतलब कोई ना कोई गुमशुदा रहता है पता नहीं क्यों घाट पे ही। नाम शुभम कुमार उर्फ हीरा बाबू, उम्र 30 वर्ष, पता शांति नगर डुमरा रोड सीतामढ़ी बिहार, मोबाइल नंबर देखने या मिलने पर कृपया ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित करें। अगर आप लोगों को कहीं दिखते हैं तो मेरे कमेंट में मोबाइल नंबर है उस पर कॉल कर दीजिएगा, मिल जाएगा बंदा। सावधान आगे ना जाए पानी गहरा है। यहाँ पे एक भोले बाबा जी का मंदिर है, और अभी क्या कर सकते हैं, ये कहाँ पे कौन सा घाट है, जटार घाट, फिर उसके बगल में ग्वालियर घाट, बहुत से मतलब सटे ही सट घाट हैं। बाकी आगे तो खिड़किया घाट है, नमो घाट है, लेकिन उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि घाट से कनेक्टिविटी टूट गई है पानी के कारण। ये देख सकते हैं कभी मंदिर हुआ करता था शिव जी का, मतलब है जो कि पानी के अंदर चला गया है, पानी घटेगा तो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। समय हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं दोपहर के, और अभी काफ़ी लंबा सीढ़ी जो कि चढ़ना पड़ेगा, और अब हम चल रहे हैं शायद घर, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 11 ही बजे से निकले थे घर से। कुछ इस तरह भी हुए, और ये बगल में श्री मठ है। गली का मुझे रास्ता नहीं पता, मैं पूछते पूछते मतलब मैं दागिन की ओर जा रहा हूँ, काफ़ी अंदर है मतलब, और मैं अकेले ही आया हूँ घर से घूमने बनारस। कहीं भी जाओ अकेले जाओ, शांति से घूम पाओगे, अगर दोस्तों के साथ गए फिर बहुत मुश्किल है, मतलब जैसे मैं घूम रहा हूँ, मैं तो अब अकेले कहीं भी जाऊँगा क्योंकि अकेले ही बेस्ट लग रहा है। हम आ चुके हैं बाबा श्री बाबा काल भैरव मंदिर, क्योंकि दर्शन नहीं कर पाए लेकिन जा रहे हैं घर, कभी और आएंगे दर्शन करने क्योंकि अभी बहुत भीड़ है। तो हम आ चुके हैं अपने घर, लगभग अपने ग्राउंड पे, यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पे हैं, अभी जस्ट 2 मिनट में पहुँच जाएंगे घर। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कहते घाट बनारस के, और घूमे फिरे थोड़ा एक्सप्लोर किए, जो कि ढंग से नहीं कर पाए मुझे लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं था पब्लिक में बोलने का तो इसलिए नहीं कर पाए। तो अभी आ रहे हैं घर, और घर पे देखते हैं अब क्या करते हैं, और टाइम हो चुके हैं 3। यहाँ मेरा घर, घाट से घूम, तो अभी हम घाट से आ चुके हैं अपने घर, और अभी है छत पे, और काफ़ी ख़तरनाक वाला मौसम हो चुका है। देखते हैं इधर, बारिश होगी तो काफ़ी तेज़ होगा, एकदम काले काले बादल ऊपर हैं। बाकी मेरा बैक कैमरा सही हो चुका है इसलिए मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो अभी चलते हैं छत पे ना, बिजली मार दी। आज के ब्लॉग में यही था कि हम गए थे बनारस के घाट घूमने, और देखे कैसे कैसे घूमे, जो कि अकेले ही गया था, और अकेले आज गली उली में गया था पहली बार, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस इस ब्लॉग को करते इसी पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर।
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।